कहा जा रहा था ऐसा कि जो मनी मिराज का फिल्म आएगा पवन खेसारी को पीछे छोड़ देगा मूवी। नहीं 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 ऐसा मत करिए, हम निकाल लुआ टीना प्लास्टिक टूटल फूटल बाल्टी सीसी बोतल के चाकू मेल डाले। अरे भैया से इतना प्यार दो तरफ वेलकम मूवी के, और क्या चाहिए, लव यू भाई लोग। एक अलग सा भूचाल आया है भोजपुरी बिल्कुल हंसी से। क्या इस मूवी में देखे होंगे कि फूफा जी का ही फूफा जी डॉक्टर रहते हैं। हाउसफुल चल रहे हैं सारे के सारे सीट, सारे के सारे सिनेमा, और सबसे बड़ी बात है कि मुंबई में भी ये संडे को पूरा हाउसफुल चला, टिकट नहीं मिला लोगों को। नमस्कार, स्वागत है आपको बिहारी प्रतिभा न्यूज में। आपको बता दें कि मनी मिराज की पहली फिल्म वेलकम जो है भोजपुरी इंडस्ट्री में भूचाल मचा दी है, मूवी जो है ब्लास्ट कर गया है। इसी को लेकर मनी मिराज हर एक जगह जा रहे हैं, आज पटना के बीना सिनेमा हॉल पहुंचे हुए हैं। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मनी मिराज का जो पहली फिल्म है इतना दर्शकों को प्यार मिल रहा है, क्या कुछ कहना है इनका। सबसे पहले बिहारी प्रतिभा में मनी मिराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, और जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं सबको मेरा प्रणाम सलाम आदाब नमस्कार। और आप लोग वेलकम फिल्म को इतना प्यार दे रहे हैं कि एक अलग सा भूचाल आया है भोजपुरी, और आप लोग भोजपुरी देखिए हल्का मचा दिया। देखिए क्या है कि हम लोग हमारी जो ऑडियंस है भोजपुरी भूली नहीं है, और देखेंगे भी और हम दिखाएंगे भी। क्या कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों का इतना प्यार मिल रहा है? बहुत प्यार मिला है, और सबसे ज़्यादा पूरे बिहार में मूवी जो है तहलका मचेले है, हाउसफुल चल रहे हैं सारे के सारे सीट, सारे के सारे सिनेमा, और सबसे बड़ी बात है कि मुंबई में भी ये संडे को पूरा हाउसफुल चला, टिकट नहीं मिला लोगों को। तो ये प्यार है जनता भी नहीं मिल रहा लोगों को, जनता का प्यार आशीर्वाद है, और भोजपुरी को सपोर्ट करिए आप लोग। पहले से भी कहा जा रहा था ऐसा कि जो मनी मिराज का फिल्म आएगा पवन खेसारी को पीछे छोड़ देगा मूवी। नहीं 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 ऐसा मत करिए, हम ठीक है दर्शक कहते होंगे, लेकिन सब जो भी नाम बनते हैं मेहनत करके बनते हैं, और बाकी मुझे किसी का नाम नहीं लेना है, और बाकी बस वेलकम को आप लोग वेलकम करिए प्यार दीजिए। अभी आप भले जो कुछ भी कहिए लेकिन काफ़ी आपने स्ट्रगल किया है, तो आपका स्ट्रगलिंग लाइफ कैसा रहा है थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। स्ट्रगल तो सबका हार्ड होता है, अब स्ट्रगल बताएंगे तो आपका न्यूज में एक घंटा का स्ट्रगल ही बता देंगे आपको। थोड़ा बहुत कैसे स्टार्ट किए लोगों को? मैं टिकटॉक से स्टार्ट किया था, बाकी टिकटॉक से सफर यूट्यूब तक चला, यूट्यूब से एल्बम, एल्बम से फिल्म तक आया हूँ, और भी आगे आप लोग का सपोर्ट प्यार। कहा जा रहा था कि आपने इलेक्ट्रिक का भी काम किया है। मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, मैं ऐसा बहुत कुछ किया हूँ, बाकी आप लोग भोजपुरी को सपोर्ट करिए, बस यही कहूँगा कि ताकि हमारे बिहार में कलाकारों की कमी नहीं है, और जितने भी टैलेंटेड लोग हैं वो भी आकर नए भी लोग फिल्म बना सकते हैं, दर्शक प्यार भी देंगे। नेक्स्ट फिल्म कौन सा आने वाला है आपका? बिल्कुल, ये मेरा पहला फिल्म था, मेरा पहला कदम था समझ लीजिए, और बाकी आएगा मूवी तो बवाल ही आएगा, इसके बाद बवाल ही आएगा, बिल्कुल बवाल आएगा। साफ सुथरा मूवी था ऐसा कहा जा रहा था। मूवी साफ सुथरा ही होना चाहिए क्योंकि परिवार में बैठ के देखना होता है, पारिवारिक मूवी है। हाँ, कोई भी मूवी पारिवारिक होना चाहिए। डायलॉग बता दीजिए। हमको खुद याद नहीं, अभी मूवी देखा ही नहीं मैं अपना। याद ही नहीं है आपको? बहुत सारा डायलॉग है, पूरा फिल्म है, और बाकी डायलॉग सुना देंगे आपको, मेरा डायलॉग तो देखते सुनते ही लोग यूट्यूब से। बोल दीजिए जो आपका इतना फेमस डायलॉग है। फेमस डायलॉग तो एगो चलता है वो लोहा टीना वाला, जो जैसे कि सन पापड़ी को वीडियो आया था हमारा कॉमेडी, उसमें मैं डायलॉग बोला था, बहुत वायरल भी हुआ था, निकाल लोहा टीना प्लास्टिक टूटल फूटल बाल्टी सीसी बोतल केस, तो ये सब बहुत सारा डायलॉग है, मैं इतना वीडियो में काम करता हूँ मुझे खुद याद नहीं होता। अच्छा, न्यू कैसे बिल्कुल अभी न्यू ईयर आ रहा है, तो मैं कुछ नया सोचूंगा लोगों के लिए, कुछ नया मसाला आएगा, बाकी अभी आप लोग बस वेलकम का प्यार दीजिए, और जोर शोर से देखिए, हमारे जितने भी ऑडियंस हमारे दर्शक है सब लोग पहुंचिए सिनेमा हॉल, और फिल्म बनाई जाती है सिनेमा के लिए, तो आप लोग सिनेमा में देखेंगे तो मज़ा आएगा। जहाँ जा रहे हैं लाखों के लाख, हजारों के हजारों संख्या, मैं लोगों से मिलने जा रहा हूँ, ये बताने जा रहा हूँ कि आप लोग भोजपुरी को सपोर्ट करिए, कोई भी भोजपुरी हो, ऐसे नहीं है कि मेरी ही फिल्म, बाकी मेरी फिल्म के लोग प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं, तो आप लोग भोजपुरी देखना स्टार्ट करेंगे तो अच्छी अच्छी फिल्में भी अब बनने लगी। भोजपुरी में काफ़ी विवाद भी चल रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? मनी मिराज कभी विवादों में नहीं जानते, मनी मिराज काम से जानते हैं ना, हम विवाद से नहीं जानते, हम काम से जानते
जाने जाते हैं। बिल्कुल, मैं मेरे पास इतना काम है कि टाइम ही नहीं है विवाद पे बात करने के लिए, लोगों के जवाब देने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनी मेरा बातचीत करने के लिए। इनके साथ पूना माइकल जी वेलकम मूवी के प्रमोशन में पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पहले बात तो यह है कि हम लोग पहले छोटे से बड़ा पर्दा पे मूवी आया, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इतना ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। अभी 2-3 दिन से हम लोग सोए नहीं है, काफ़ी ऐसे हाँ लग रहा है, काफ़ी बहुत घूम रहे हैं और सबको बता रहे हैं हम लोगों का वेलकम है और वेलकम कीजिए। काफ़ी बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है भाई लोग, ऐसे ही आप लोग प्यार देते रहिए। हम लोग का जो डायलॉग तो मेरा डायलॉग है अभी तो जो फूफा जी वाला काफ़ी बहुत ज़्यादा वायरल है और फेमस डायल है, हरिओम हरिओम हरिओम, यही बहुत ज़्यादा यही डायलॉग मेरा डायलॉग फेवरेट डायलॉग यही है मेरा फूफा जी के। हाँ नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, फूफा जी है, जैसे कि हम लोग छोटे गांव में नहीं दिखाया जाता कि फूफा जी से आते हैं तो थोड़ा उसको कैसे स्वागत किया जाता है और गांव में कैसे उसको मतलब थोड़ा मजाक उजाक बनाते हैं, उस टाइप का हम लोग कॉमेडी फूफा जी है। और टीक भी मेरा था काफ़ी, बहुत ज़्यादा पब्लिक देखा ये फूफा जी का एंट्री और उसका मतलब हंसी, बिल्कुल हंसी से का इस मूवी में देखे होंगे कि फूफा जी का ही फूफा जी डॉक्टर रहते हैं, वही तो बता रहे हैं फूफा जी डॉक्टर हो गए हैं, पहले फूफा जी थे अब फूफा जी डॉक्टर हो गए हैं। हाँ फूफा जी डॉक्टर, जब मिराज भैया जी मिराज भैया का आँख का इलाज कर रहे हैं। हाँ आप लोग देखिए ये फिल्म बहुत अच्छा है और कभी अभी तो इतना सारा प्यार मिल रहा है कि मेरा दिल गादन गादन हो गया है कि इतना सारा प्यार मिल रहा है, हम लोग समझ भी नहीं आ रहा है कौन सा जो मेरा अच्छा कॉमेडी डायलॉग। अरे भैया से इतना प्यार दो तरफ वेलकम मूवी के और क्या चाहिए, लव यू भाई लोग, ऐसे ही हम लोग एकदम एकदम सपोर्ट करते रहा, एक से एक फिल्म आई, अब फूफा जी को मैं कॉमेडियन जरूर आई। लव यू दिल से। वेलकम मूवी के प्रमोशन में शशि जी आए हैं, मनी मिराज के टीम के हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये जो भोजपुरी फिल्म में जो ब्लास्ट किया है वेलकम मूवी, इनका क्या कहना है। सबसे पहले बिहारी प्रतिभा में शशि जी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद और जितने भी लोग देख रहे हैं सबसे पहले हाथ जोड़कर नमस्कार। और बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब पहला मूवी इतना अच्छा चल रहा है तो बहुत खुशी हो रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, इतना दर्शकों का प्यार मिल रहा है, जहाँ जा रहे हैं आप लोग वहाँ हजारों हजार मार हो जा रहा है एकदम आप लोगों को देख। बिल्कुल, ये तो लोगों का प्यार है और ऐसे ही बस सपोर्ट बनाए रखे लोग, बस यही कहेंगे, लोगों से यही अपील करेंगे। न्यू ईयर भी आने वाला है, न्यू ईयर में क्या आप लोग धमाका मचाने वाले? न्यू ईयर में अब न्यू ईयर के कोनो वीडियो बनाए कोई वीडियो बनाएंगे न्यू ईयर का आएगा। में क्या लगता है कि ये बाकी सब मूवियों को पीछे छोड़ेगा? देखिए किसको पीछे छोड़ेगा किसको आगे छोड़ेगा इससे मतलब नहीं है, हम लोगों का बस काम अच्छा होना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए और मतलब प्यार मिलना चाहिए दर्शकों का। बस अब डायलॉग अब बाद में सुना दे हम फिर कभी, हाँ अभी थोड़ा लेट हो। देखिए मनी मेराज जी वेलकम मूवी को प्रमोशन के लिए पहुंचे हुए और मनी मेराज का साफ तौर पे कहना है कि बहुत ही साफ सुथरा मूवी है। इस मूवी के प्रति आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप मूवी नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देखिए और कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।